दारुल उलूम देवबंद तबलीग जमात जमायत उलेमाए हिंद उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। आतंकवादियों को ट्रेनिंग सस्ते देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तीन संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायते उलेमाए हिंद उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। तालिबान ने वहाँ से रिलेशन की इच्छा दिखाई है, वो कह रहे कि हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजेरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। तुगलक जी, जिस नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, आपको विश्वास है इस स्थिति में वे पूरा नहीं होने देंगे? हमें तो दृढ़ विश्वास है। हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे, हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति देखी जा रही है, आप यहाँ पे आए हुए हो, यहाँ की स्थिति बीजेपी वर्सेस अभी शिवसेना, जो दोनों हिंदुत्ववाद के मुद्दे पे एक जगह थे, अभी वो अलग हुए हैं, क्या कहेंगे स्थिति के बारे में? अरे मेरे भाई, बीजेपी शिवसेना वाला एक दूसरे के विरुद्ध बोलकर एक दूसरे का पब्लिसिटी का मार्केटिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, भारत में शिवसेना और भाजपा का नाम बड़ा करने का काम दोनों कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को थैंक यू करके 125 रुपया पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे को भेज। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े होंगे चुनाव में? नहीं, कोई चुनाव में हम खड़े नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तान का समर्थन है, पाकिस्तान जेल से उतरना चाहिए। अरे समर्थन नहीं, तालिबान पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम देवबंद भारत का उसका बाप है। जिस तरह से अमरुल्ला सालेह उपराष्ट्रपति है, माजी उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगाया था कि तालिबान और पाकिस्तान और जो हक्कानी नेटवर्क है, इनका एक संबंध है, एक आरोप है, तो आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सच है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम उसका बाप है, दोनों की पैदाइश का नाम तालिबान है। किस तरह से अभी मतलब देश को अभी किस तरह से इस पूरे सुरक्षा के बारे में काम करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? एक ही रास्ता है, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायते उलेमाए हिंद उनकी सभी मस्जिद मदरसे और मौलवी सब पर प्रतिबंध लगाया जाए, एक ही रास्ता है। वह करोगे तो भारत का तालिबानीकरण रुकेगा। आज मुंबई में आने का प्रयोजन क्या था? मैं मेरे कार्यकर्ता को 4-5 बातें समझाने वाला हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू को हेल्प की जरूरत है तो 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन है, 1 लाख लोगों को मदद करते हैं। दूसरा, इंडिया हेल्पलाइन है, कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, 10,000 डॉक्टर हर रोज एक मरीज की सेवा देते हैं। तीसरा है, एक मुट्ठी अनाज हम घरों में थैली बांट कर अनाज एकत्रित करते हैं, गरीब हिंदुओं को देते हैं। तो ये सब बातें कार्यकर्ता को सिखाने आए।
सर अंतर्राष्ट्रीय अभी आपका हिंदू परिषद है, किस तरह से जो है बढ़ता हुआ जाएगा आगे, और इसका कहीं ना कहीं जो झटका है वो बीएसपी या फिर इन संगठन जहाँ से झटका क्यों लगेगा? हमारा झटका तालिबान को लगेगा, पाकिस्तान को लगेगा, ये बीएसपी वाले पाकिस्तान के थोड़े तो मेरे भाई हैं, हमारे भाइयों को थोड़ा झटका देंगे। आगे अभी क्या आगे का क्या? अब तो हिंदू ही आगे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।